मिला कि इधर है आप आइए, जहाँ मिला वहाँ पहुँचे। तो ये सीधा सीधा आप कहना चाह रहे हैं और पवन बंसल की नाराजगी का फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि अभी भी पवन बंसल जो है वो नाराज हो चल रहे हैं। पता नहीं जी, मैंने तो देखा नहीं, वो मंच पे थे, दूसरा भी एक ही रैली में नजर आए, उसके अलावा ना पहले ना बाद में, पता नहीं जी। अब उनके साथ क्या है वो तो आपको कोई पूछना होगा। दो बार आप यहाँ पर सांसद चुनी गई है, क्या आपको इस तरह से लग रहा है कि पार्टी ने आपको थोड़ा सा इग्नोर किया है इस बार? पार्टी ने नहीं इग्नोर किया, तो किसने किया? इंडिविजुअल्स ने इग्नोर किया, नॉट द पार्टी। कोई मैम इंटरनली आपको लगता है कि आपसी मतभेद भी दिखा पार्टी? यहाँ पर आपसी मतभेद तो चलता ही रहा है शुरू से, इसीलिए सेंटर ने मुझे यहाँ भेजा था लड़ने के लिए। तो क्या आप कैसे? लेकिन अभी इस वक्त तो मुझे लगता है सब अल्टीमेटली जब वोटिंग की बात आती है तो मुझे लगता है सब साथ चलते हैं। तो आप ये लगता है कि जो आरोप लगाए जाते थे आप पर कि मैडम बाहर रहती है, चंडीगढ़ में कम रहती है, ये तो आपको भी बताएंगे बिल्कुल झूठ है, क्योंकि यहाँ कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी आता था, कुछ भी होता था तो मैं उपस्थित थी। तो फिर मैं कैसे, जादू की छड़ी तो है नहीं मेरे पास, अगर मैंने यहाँ नहा रह रही होती तो मैं कैसे इतनी सारी मीटिंग्स लेती, मैं कैसे हर जगह का चेयरपर्सन थी मैं, भले स्मार्ट सिटी हो, भले एडवाइजरी कमेटी में मैं मेंबर थी और बहुत सारी चीजों में हम लोग यही थी मैं। तो मेरे को तो इतना पता है, मेरे घर वालों को पता है कि मैं तो बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ शिफ्ट हो गई थी जब मैं जीती। जो भी रिजल्ट आएगा उसकी जिम्मेदारी आप लेंगी? मैं क्यों लूंगी, जो भी रिजल्ट जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी होगी मुझे। हम कांग्रेस और राहुल गांधी संविधान को बचाने के मुद्दे पर पूरा चुनाव उन्होंने लड़ा है, संविधान खतरे में है? हाँ? क्या संविधान खतरे में है जिस तरह से राहुल गांधी लगातार आई थिंक राहुल जी के पास और कुछ है नहीं बोलने को, तो इसीलिए ये सारे संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में तो इमरजेंसी के टाइम के मैम एक सवाल जरूर पूछा चाहेंगे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए इंडिया अलायंस का, आपका क्या मानना है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ भी बोलते रहे तो देश डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा। क्या किरण मैम, आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ जी, और कुछ ही किलोमीटर दूर उनके विपक्ष में है और ऐसी बातें कर रही है जैसे कि उनका यहाँ दोस्ताना नहीं है, तो क्या कहेंगी इस? ये बड़ी अजीब बात है, टीएमसी का भी वही हाल है बंगाल में, तो ये तो सोचने वाली बात है कि वो कैसे, जब उनसे पूछो तो कहते हैं बाद में हम इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, क्या होता है, 4 तारीख का वेट तो मुझे भी करना पड़ेगा और आपको भी। आप माहिर कलाकार भी हैं और अब 10 साल से सांसद चुनी गई हैं, तो राजनीतिज्ञ भी हो गई, क्या लग रहा है क्या 400 पार का आंकड़ा पार होगा या कि जो जिस तरह से विपक्ष कह रहा है वो उस तरह से नतीजे आएंगे? नहीं जी, जो विपक्ष कह रहा है वो तो बहुत ही ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिकली कह रहे हैं। अब हर सीट का तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी आंकलन किया नहीं इन बातों का, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बहुत अच्छी मेजोरिटी आएगी हमारी। लोगों से आप मिलते रहिए, उनकी नब्ज भी पकड़ती है, क्या लगता है आपको? बहुत सारी चीजें लगती जो हम कह नहीं सकते आपको। मुद्दे काफी ज्यादा थे लेकिन विपक्ष कमजोर है ऐसा भी कई लोगों ने कहा कि उनके पास चॉइस नहीं है। आप आई डोंट एग्री देयर, मुद्दे ज्यादा नहीं थे, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है, दैट इज व्हाट आई फील। मुझे लगता है जितना काम मोदी सरकार ने देश में किया है आज तक तो किसी ने किया नहीं, तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों के लिए काम किया है और हर स्तर पे काम किया है। मुझे याद है जब कोरोना आया था दिल्ली से लोग भाग भाग चंडीगढ़ आ रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले से ही पैसों का ऐलान कर दिया था फॉर ऑक्सीजन एंड चंडीगढ़ वॉज द ओनली प्लेस विच हैड कम्प्लीट ऑक्सीजन, हमें उसकी कमी नहीं पड़ी क्योंकि हमने उसी वक्त वो उनकी हिदायत पूरी कर दी थी। ऐसे बहुत सारे टाइम थे जब हमने सबको राशन दिया, सब कुछ किया, तो मतलब ऐसा ये सब कहना बाद में बहुत आसान हो जाता है, इट्स नॉट ट्रू। इतना काम करने के बाद भी जैसे कि आपने बताया अभी फिर भी टिकट नहीं मिली तो नहीं, आपको पता नहीं मैंने इतना बड़ा इंटरव्यू दिया टाइम्स नाउ को, टिकट नहीं मिली नहीं, 3 महीने पहले मैं खुद मना करके आई थी दिल्ली में नड्डा जी को और अमित शाह जी को, और ये बात संजय टंडन जी को भी पता थी, मैंने उनसे 3 महीने पहले कही थी और मैंने सुना है उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा था, पता नहीं व्हाई यू पीपल डिडंट कैरी इट, बट मैंने तो खुद ही मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगी, बिकॉज मैं 1 साल उपस्थित नहीं थी, जब मैं बीमार हो गई तो मुझे मुंबई जाना पड़ा था इलाज के लिए। कुछ मैसेज देंगी? ऑल द वेरी बेस्ट, कमल पर बटन दबाइए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।